Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, the great viewers. Good morning, good evening, good night. Best wishes to whole world. The great viewers, आज जुमातुल विदा है, रुखसत हो रहा है. हमारी वालदा महुमा मोहतरमा आमना बेगम परवरदिगार उनको करवर करवर जन्नत नसीब करे. हर साल कहती थी पुत्र पता नहीं अगले साल में होना या नहीं होना, पता नहीं किधर पत्ता कट जाना है. एतकाफ बैठती थी, कई माएँ एतकाफ बैठती थी. दुनिया से रुखसत हो गई, जो दुनिया से रुखसत हो गए, ये रमजान शरीफ भी रुखसत हो रहा है. किसके नसीब में लिखा है, इतना खौफनाक एक हॉरर है दुनिया में. कायनात रुक चुकी है, तमाम यूनिवर्स जो है वो स्टिल हो गई है, मूवमेंट ख़त्म हो गई है, खुशियां ख़त्म हो गई हैं, मिलनियां ख़त्म हो गई हैं, जफियां ख़त्म हो गई हैं, इकट्ठे बैठना ख़त्म हो गया है, तकरीबात ख़त्म हो गई हैं, हत्ता के सब कुछ रोक दिया गया है. तो माल के कायनात का ये बहुत बड़ा मैसेज है कि देखें वो इंसान अकड़ के चलने वाले, मैं ये भी कर सकता हूँ. ग्रेट व्यूअर्स, यू आर गोइंग टू वॉच लाइव विद वाईजे कमाना फ्रॉम डियर एंड स्टूडियो लाहौर पाकिस्तान. आज हम आपको हसबे मामूल छोटे छोटे सेगमेंट में प्रोग्राम दिखाएंगे, बोर नहीं करेंगे. आप पहले ही बुरी हालत में हैं, घरों में कर्टीना हो चुका है, कैद हो चुके हैं, आपस में भी एक दूसरे से खौफ खाया जा रहा है. मोहल्ले में निकला तो दरकिनार बड़े सहमे हुए निकलते हैं, एक दूसरे को देखने से भी कतराते हैं. हाथ मिलाना तो दूर की बात, अब दो रोज के बाद ईद उल फितर होगी, अब गले मिलने, साल के बाद गले मिलते थे जिनसे कभी नाराजगियां होती थी, एक साल के बाद ईद उल फितर पे या ईद उल अजहा पे गले मिला जाता था. उस पे भी मालिक कायनात नाराज हो गए, उस पे भी अब कदगन लग गई. अल्लाह का घर बंद हो गया, खुलने जा रहा है. अल्लाह के घर जाते थे, रो रो के दुआएं मांगते थे, परवरदिगार हमें माफ फरमा दे. आज जुमातुल विदा है, आइए सब मिलके इस गुनाहगार के साथ एक ही लफ्ज कहते हैं, परवरदिगार हमें माफ फरमा दे, इस कायनात को माफ फरमा दे और वही खुशियां लौटा दे. वही जो हंसते थे, हंसना कह के मारना, एंजॉय करना, औलाद के साथ एंजॉय करना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, एंजॉय करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक मुल्क से दूसरी मुल्क जाना, दूसरे मुल्क जाना, हत्ता के हर खुशी थी, हर सब कुछ खाया जा सकता था, खुल के छींके मारी जाती थी, हर काम खुल के था, लेकिन सब बिल्कुल बंद कर दिया गया. इंशाल्लाह अजीज परवरदिगार फिर कर्म फरमाएगा, हमें माफ़ फरमाएगा, दरगुजर करेगा. वो माफ़ करने वाला है, यकीनन वो माफ़ करना पसंद करते हैं, लेकिन हमें माफ़ी मांगनी आनी चाहिए. ग्रेट व्यूअर्स, आज हम वो कहते हैं बड़ा शोर सुनते थे कि चीनी की रिपोर्ट आएगी, आटे की रिपोर्ट आएगी. क्या हुआ, घंटों वो जनाब वज़ीर आज़म कप्तान इमरान खान साहब के जो मुआवन खसूसी हैं कहाँ से तशरीफ लाए हुए, किधर से आए हुए हैं. उन्होंने पहले तो जनाब शिबली फराज साहब जो हैं, जो जिनके पास इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है, एडवाइजरी है, सेनेटर भी हैं, बड़े नफीस बाप के, शायर बाप के बेटे थे. वो बड़ा खूबसूरत अंदाज में हर हकूमत के साथ टकराव वाले शायर थे जनाब अहमद फराज साहब, उनके साहबजादे हैं. वो रिपोर्ट में जब रिपोर्ट पेश होने लगी तो उन्होंने खूबसूरत अंदाज से अपने वज़ीर आज़म को बस अमीरुल मोमिनीन ही नहीं कहा, सब कुछ कहा. एक आध मिनट में उन्होंने जमीन और आसमान के कलाबे मिलाए और उसके बाद उन्होंने चुपके से गेंद जो है, ताकि आने वाले वक्त में उनके ऊपर ये स्टिग्मा ना लग जाए कि रिपोर्ट कुछ तारीफें कुछ हो रही हैं और आवाम लुट गई, तो उन्होंने खामोशी से बड़े वकार से गेंद जो है, जनाब जो शहजाद अकबर साहब हैं जिन्होंने वो सारा प्रोग्राम चलाया, जिन्होंने वो रिपोर्ट पढ़नी थी वो उनके हवाले कर दिया, और उन्होंने रिपोर्ट के वो बखिये उधेड़े. असल टॉपिक की तरफ कमाल बात है, इस पे आइए हम आपको एक बहुत खूबसूरत जोक सुनाते हैं. जोक भी नहीं, रियलिटी है. हमारे एक खुफी के बेटे साहबजादे हैं, थे, खुफी दुनिया से चली गई, खुफी बख्तावर अल्लाह उनको जवार रहमत पे जगह दे. उन्होंने मेरे वालद और वालदा से दरख्वास्त की कि मेरे पुत्र ने भी शायर पढ़ा दो. वो गांव में रहते थे, हमारा जो अबाउई गांव कम्मा इस्लामपुर है, हम साहिवाल में सेटल थे बड़ी देर से, तो वो वहां से कुछ शायद मिडल का इम्तहान दे के हमारे पास आना था, 9th में इकट्ठे होना था. और वो एक देहाती बहाव स्टाइल में घर आया, वालद मरहूम मियाँ साहब ने पूछा कि हाँ भाई असलम मियाँ की हाल चाल है, तू इम्तहान देता कि बनाया. उसने एक लंबी दास्तान सुनाई, एंज हो गया फलां, एंज हो गया, तमाम मास्टरों के ऊपर कीड़े निकाले, तमाम हेडमास्टरों के ऊपर निकाले, सेंटर के ऊपर कीड़े निकाले,
जब सब सुन सुन के रिजल्ट के लिए सब उसके मुंह की तरफ तक रहे थे, तो फिर मेरे वालिद मरहूम ने पूछा यार गल दस भी होया की, तो उसने बर्चस्ता का मामा जी मैं तो फिर फेल हो गया। तो बात यह है कि क्या पूरे सब 43 टेम्परेचर के रोजे में तमाम इस बात का इंतजार कर रहे थे कि आज पता नहीं क्या हो जाएगा, इस मुल्क में एक तूफान खड़ा हो जाएगा। लेकिन एक बेचारे बड़े दरियर रिपोर्टर, पता नहीं किस अखबार से थे, किस टेलीविजन से थे, वो बड़ी बार बार कोशिश कर रहे थे पूछने की कि जनाब सब कुछ ठीक है, ये रिपोर्ट भी पढ़ ली, इसकी रेगुलेटरी भी खराब, सारा कुछ खराब, ये हुआ वो हुआ, वो गल दसो होया कि। उन्होंने कहा आप ये सारी रिपोर्ट उस पर वेब पे है, पढ़ लीजिए भाई। अगर रिपोर्ट ही पढ़नी थी, अगर सारा कुछ यही पढ़ना था, तो आपने 2 घंटे कौम का वक्त जाया क्यों किया? आपने लहक लहक के जनाब कप्तान इमरान खान साहब को फिर तौबा नऊज बिल्ला इमाम वक्त का इमाम ही नहीं कहा, बाकी सब कुछ कह दिया कि जनाब ये पहली मरतबा हुआ पाकिस्तान की नहीं दुनिया की तारीख में कि ये रिपोर्ट मंजरे आम पर आ गई। ये तो पुरानी बात हो गई। ओ भाई कप्तान साहब, जनाब वजीर आजम पाकिस्तान कप्तान साहब, वो भाई सस्िए तेरा लुटिया शहर भंभोर, अवाम लुटते रहे, गरीब लुटते रहे, सब तबाह होता रहा, और आपकी रेगुलेटरी, आपका स्टेट बैंक, आपकी SCPC, आपकी फला PC, आपकी सब PC देखती रहीं, और ये गरीब अवाम लुटते रहे, पिटते रहे, किसान लुट गया, खजाने में से वारदात हो गई, किन्होंने की, किसने की, आपने उनका नाम लेना भी आप, यानी कमाल बात है। वजीर आजम पाकिस्तान जो 3 मरतबा शख्स रहा, अल्लाह उनकी जिंदगी दराज करे, एटमी धमाका किया, यही वो महीना है, उसके सामने जेल में आप 1.5 सेकंड लगाते हैं, मरियम को गिरफ्तार कर लेते हैं, क्या इनको जो भी है इनको आपको पकड़ने में जकड़ने में क्या प्रॉब्लम आया? इतनी लंबी रिपोर्ट पे आपका कौम का आपका वक्त जाया हुआ, हुकूमतों का वक्त जाया हुआ, और बेचारे अवाम के खून पसीने की कमाई, हड्डियां पीस पीस के कमाई जो की अवाम ने, वो सारी तबाह हो बर्बाद हो गई उस, और रिपोर्टों पे रिपोर्ट दर रिपोर्ट, लंबी चौड़ी मोटी मोटी किताबें, कमीशन बैठा, फलां बैठा, फलां बैठा, और खाया पिया कुछ नहीं, अरबों की चीनी तोड़ी, अरबों की चीनी तोड़ी, क्या हो गया? तो बहुत मायूसी हुई कप्तान, बहुत मायूसी हुई। किसकी तरफ देखें? एक दरवाजा फिर वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो की करेंगे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ क्या करेंगे? आपने जो इतना वक्त जाया किया, फर्जी कोई सारा कुछ हुआ, रिजल्ट जीरो है सर, कि परवरदिगार आपके मशीरों को हिदायत दे। तो ग्रेट व्यूअर्स, अभी एक छोटी सी बात पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस और एविएशन के हवाले से आपसे हम शेयर करते हैं कि फ्लाइटों का मिनी ऑपरेशन शुरू हो चुका है, बड़े अच्छे इंतजाम देखने में आए हैं, वी कंग्रेचुलेट टू ऑल फंक्शंस ऑफ ऑल एयरपोर्ट्स। लेकिन इसी में हम एक बहुत बड़ी साजिश जो होने जा रही है, वो माफिया सो जाता है, उसका सर कुचल दिया जाता है, वो फिर उठता है। बहुत पहले कोई 2003-04 में मैं एक स्टेशन मैनेजर कॉन्फ्रेंस में कराची गया, वहाँ आज का जो नेविया है इजाज हरून, उस वक्त जनरल मैनेजर डायरेक्टर था, इसने उस वक्त चाल ये चली उस वक्त की हुकूमत के साथ मिलके के टर्मिनल सर्विसेज यानी एयरपोर्ट के एयरपोर्ट जो है वो आउटसोर्स कर दिए जाएंगे। मैं बहुत बंदा हूँ, तारीख हुआ है, सब वो सलामत है मेरे कुलीग। मैंने कहा था जनाब आप ये बताइए कि अगर उसमें से सब पीए के बंदों को निकाल के आप टर्मिनल सर्विस में डालेंगे, उधर भेज देंगे, जो कुछ भी होगा, क्या कप्तान भी जाएंगे? तो उस इजाज हारून का मुंह लटक गया, उसने कहा नहीं कप्तान नहीं जाएंगे। तो मैं कहा कप्तान नहीं जाएंगे तो ये खुदा के लिए जुल्म मत कर जाओ, तुमने कल नहीं होना, लेकिन तारीख में तुम्हारे माथे पे, तुम्हारे मुंह पे और तुम्हारे सारे रैकेट के ऊपर कालक मरी जाएगी। वो आज जेल में है, भुगत रहा है अपनी सजा, अंदर है, और वो जिस माफिया के साथ है उसको अब क्या जिक्र करना। अल्लाह हम उन्होंने हमें माफ नहीं किया, परवरदिगार से दुआ है कि अल्लाह इंसाफ करना, रहम फरमाना। लेकिन आज फिर वही माफिया सर उठा के, पता ये चला है कि जनाब असद उमर साहब फरमा रहे थे या बुजुर्ग में से किसी ने कहा है कि जनाब एयरपोर्ट जो है
जो जितने एयरपोर्ट्स हैं उनको हम आउटसोर्स कर रहे हैं, यार ये जायदादें इसलिए बनाई जाती हैं, ये सारा कुछ इसलिए बनाया जाता है, तो हुकूमत को भी आउटसोर्स हो जाना चाहिए, वजारत खजाना को आउटसोर्स होना चाहिए। क्या हम अपनी फौज को आउटसोर्स कर दें? उनको चाहिए कि वो उसको एडवर्टाइज करें कि जनाब ये करने जा रहे हैं, कोई ओ हम जैसा नक्सुल अकल बंदा भी बता देगा, मेरे से और सीनियर लोग हैं, बड़े बड़े दिमाग बैठे हैं, वो गाइड कर देंगे। अभी हमने एमिड्यूस के बारे में बताया, खामोश हैं, सोए हुए हैं, कल ये केस उठेगा। और रूजवेल्ट और स्क्रिप्ट का केस, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो पाकिस्तान के, उसने वो केस जो है हशप कर दिया है। हमने उसको मेल की है, उनका अभी तक कोई जवाब नहीं आया कि हमारे साथ बात करें। हम मैं अभी जाके स्क्रिप्ट के पास फॉर्म करके आया, और नजीब जनाब नजीब साहब जो हैं एमडी इसके पीकेआईएल के, वो खामोश हैं, वो गायब हैं, वो बात ही नहीं सुनते। वो बताएं हमें कि क्या हो गया, कैसे हो गया, कैसे ही आपको एक मिनट में डेढ़ सेकंड में क्लियर कर दिया, यहां तो लोग उड़ गए हैं। तो लिहाजा ये बात छुपी नहीं रहेगी, हम लगे रहते हैं, हम जहाद करते रहते हैं, और हम मशकूर हैं अपने उन दोस्तों के जो हमें असिस्ट करते हैं, हमें डाटा देते हैं। कई जगह से हमें डाटा लेने के लिए बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन सल्यूट टू दोज पीआई ऑफिसर्स जो जिन्होंने इस एयरलाइन को अपना ब्लड दिया, वो बड़ा ख्याल रखते हैं, और वो फिर बांगे दोहल कहते हैं कि ए काम गलत चे। तो हम अरशद मलिक साहब को गुजारिश करते हैं, वो खुद तो सामने नहीं आते, एयर वाइस मार्शल अब्बास नूर साहब, नूर अब्बास साहब हमारे साथ रहते हैं रबते में, जितना होता है वो भी देखते हैं कि यहाँ उनकी दाल नहीं गलती, आगे जाके बात नहीं कर सकते, वो भी खामोश हो जाते हैं। जिस कॉल करते जब हम पूछते हैं तो लोग घबराते हैं, बताते नहीं हैं। जब मैं जब पैसेंजर हैंडलिंग सर्विस यंग ऑफिसर है, कॉल करें, वो जाहिर है उनको मना है स्टेशन में लॉक, या कहीं भी कॉल करके बताएं तो शेयर तो करें। अभी एक मार्शल अरशद मलिक साहब ने कल एक बहुत बड़ा फिर नारा मारा कि जनाब हमने पैसेंजर्स को गिफ्ट कर दिया है। आपने क्या गिफ्ट किया है? 15 किलो सामान छोड़ा है ना जनाब। एयर मार्शल साहब मेरी गुजारिश सुन लें, अभी आपने रिस्ट्रिक्ट किया जहाज को A320 को 105 के ऊपर, कॉन्फ़िगरेशन आपने रिस्ट्रिक्ट कर दी कोविड की वजह से 105 पे, लेकिन जो ही आप अल्लाह हालात बेहतर करेगा जब ये 170-178 पे जाएगी तो आपको पेलोड का आई डोंट नो, आप क्योंकि फ्लाई रहे हैं आपको पता होना चाहिए, लेकिन पेलोड इफेक्ट करता है। 43 टेम्परेचर 44 टेम्परेचर जब आएगा तो A320 तो पहले बैगेज की कैपेसिटी उसमें कम है, ATR में पहले ही कम है। तो या तो ये है शॉर्ट टर्म आपने 2-3 रोज के लिए अगर ये इंसेंटिव दिया है दैट्स गुड, कि चूंकि 105 पे उसकी आपने कॉम्प्लिकेशन 105 पे A320 की कर दी है, ओके ठीक है, कोई और ऐसा इंसेंटिव दें जिससे लोग खुश हो जाएं, आवाम खुश हो जाए और एंजॉय करें, उसको फायदा हो, किसी इन्फेंट की शक्ल में दे दें और कोई अच्छी शक्ल कर दें। लेकिन इस तरह ये 15 किलो का आपने जो टीका लगा दिया एयरलाइन को, ये आगे नहीं चल सकेगा। पेलोड प्रॉब्लम होगा, या पैसेंजर उतारेंगे या बैगेज उतारेंगे, बैगेज A320 में पहले ही उतरता है। लिहाजा हमारी गुजारिश है, इसका ध्यान में रखिए कि ये शॉर्ट टर्म है दैट्स गुड, अगर ये लॉन्ग टर्म हुआ जब आप वापस लौटेंगे इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है रिस्टोर करेंगे, आपको मैं याद आऊंगा और मेरे दोस्त याद आएंगे। मैंने इसमें बड़ा होमवर्क किया है, मुझे पता है, मैंने जो प्रोफेशनल ट्रिमिंग करते हैं जो लोड मास्टर्स हैं उनसे मैंने बात की, उन्होंने कहा आप सर सही करें, अब तक तो ठीक है शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए पेलोड प्रॉब्लम हो जाएगा और फिर हंगामा, बैगेज ये किसने किया वो किया, उतने में अरशद मलिक साहब को और स्टोरी सुना दी जाएगी और प्रोग्राम चला दिया जाएगा। एक छोटा सा वक्त लेते हैं, गपशप जारी रहेगी और आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे, आप एंजॉय करेंगे, अभी और बड़ी गप्पें होंगी, आप ताकि बोरियत से निकलें, कोरोना से निकलें, दुआएं करें, परवरदिगार हमें माफ फरमा दे, हमारे साथ रहिए, हम मिलते हैं, हम यूं गए और यूं लौटे, हम कहीं नहीं कहेंगे कि कभी नहीं कहेंगे कि मत कहीं मत जाइएगा, गो नफल पढ़िए, दुआ मांगिए और फिर हमारे साथ रहिए, हम लौटे और लौटेंगे नए टॉपिक के साथ, एंजॉय करेंगे और इंशाल्लाह अजीज हमारी बातें थोड़ी देर के लिए जो टॉप लेवल के ऑफिसर्स हैं, जो डेपुटेशन पे आए हुए इदारों में जो मौज मस्तियां करें उनको बुरी लगती हैं, लेकिन कहते हैं आंवले दर खादा या